फैटी लीवर, फैटी लीवर ये तो सबने सुन रखा होगा आजकल की फैटी लीवर सबसे कॉमन हो गया है। जहां भी देखो हर घर में देखो फैटी लीवर के पेशेंट मिली मिली जाएंगे। 90% तो ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है उनका फैटी लीवर है। वो मानते हैं कि जो ड्रिंक करते हैं यानी कि अल्कोहल का यूज करते हैं तो उन्हीं को ही फैटी लीवर होता है, उन्हीं का लीवर खराब होता है। तो आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉन अल्कोहलिक लोग है उनको भी फैटी लीवर हो रहा है। वो किस वजह से? हमारी लाइफस्टाइल खराब हो गई है उस वजह से। क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो यही बोलते हैं मैम हम तो अल्कोहल का बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, फिर भी हमारा लीवर फैटी हो गया। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया जिस वजह से मेरा लीवर खराब हो गया। मैंने तो आज वैसे ही टेस्ट कराया था, पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था तो मैंने टेस्ट कराया तो मुझे पता चला कि ग्रेड 2 फैटी लीवर है, किसी को 3 है, किसी को लीवर सिरोसिस हो रखा है। तो नॉन अल्कोहलिक पेशेंट को भी फैटी लीवर हो सकता है। तो आपको कहीं पे भी डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, भूख कम लग रही है, या आपका मेटाबॉलिज्म स्लो काम कर रहा है यानी कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, कब्ज जिसको बोलते हैं, अगर वो प्रॉब्लम आ रही है आपको, या आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ फंसा फंसा हुआ सा लग रहा है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रही है, तो आपको एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए या ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए जिससे आपको पता चल सके कि आपका लीवर फैटी है या नहीं है। एक चीज और भी बता देती हूँ, जहां पे ये गर्दन है हमारी पूरी की पूरी, इस एरिया में पूरा कालापन होगा क्योंकि लोग उसको उतार उतार के थक जाते हैं, फिर भी उतरता ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है। अगर किसी की गर्दन काली है या मस्से हो रखे हैं जिसको मस बोलते हैं, अगर वो है तो डेफिनेटली मैं कहती हूँ कि उसको फैटी लीवर हो गई होगा। आप ये सोच रहे हो कि मैम ऐसा क्या बता रही है? हाँ मैं ये रियलिटी बता रही हूँ अगर ऐसा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको देख के पता लगाया जा सकता है कि फैटी लीवर है। ये नहीं कह सकते ग्रेड 1 है ग्रेड 2 है, पर इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि फैटी लीवर है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, गर्दन वाली है, मस्से हो रखे हैं, तो वो एक बार अपना टेस्ट जरूर कराएं और मुझे जरूर बताइए, जो मेरी वीडियो देख के टेस्ट करवा रहे हैं तो उनको फैटी लीवर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो हम फैटी लीवर को कैसे नेचुरली तरीके से ठीक कर सकते हैं, किन किन चीजों का ध्यान दे सकते हैं कि हमारा जो फैटी लीवर है ग्रेड 1 है ग्रेड 2 है उससे आगे ना बढ़े, क्योंकि लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होने के बाद में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि एक्चुअली में पेशेंट ध्यान ही तब देता है क्योंकि छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें कॉफी, लोग चाय का यूज करते हैं, चाय की जगह मैं तो ये बोलूंगी कॉफी का यूज करना चाहिए आपको। कॉफी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, चाय के कंपेयर में तो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, और जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है उनके लिए तो एक जबरदस्त काम करती है। दूसरा, जिसको नींद बहुत ज्यादा आती है, जो वर्किंग होते हैं लोग तो आलस बहुत दिखाते हैं, तो उससे एक्टिवनेस भी बहुत आती है। कॉफी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और फैटी लीवर वालों के लिए तो जबरदस्त काम करती है। तो डेली आपको एक कप कॉफी का जरूर यूज करना चाहिए। दूसरा है ग्रीन टी। हाँ ग्रीन टी आपको रात को सोते टाइम तो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मैं तो पतला हूं या पतली हूं तो और पतली हो जाऊंगी, क्योंकि लोगों के मन में एक लाइन फिक्स हो रखी है कि ग्रीन टी वही लोग पीते हैं जिनका वेट गेन हो रखा है यानी कि वजन जिसका बढ़ा रखा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रीन टी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है। हमने जो भी खाना खाया है उसको डाइजेस्ट अच्छे से करती है, जो हमें कई बार ये तो ना कि आफरा आया हुआ है, एसिडिटी बन रही है, तो ग्रीन टी पीने के बाद में जो हमने खाना खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, उस वजह से हमें एसिडिटी भी नहीं बनती है। मैं डेली खुद शाम के टाइम खाना खाने के बाद में ग्रीन टी का जरूर यूज करती हूँ। तो इसमें ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मोटे और पतले का कोई रोल होता है, ठीक है? सबको ग्रीन टी पीनी चाहिए। अगर आपको वैसे अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसमें थोड़ा सा पिंक सोल्ट आता है एक चुटकी, वो मिला लीजिए ताकि उसका थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी है और आपको उसका डेली रूटीन में यूज करना चाहिए। तीसरी जो चीज है, हमें खाने पे ध्यान देना है। तो हम खाने में प्रॉपरली ध्यान देते हैं, हरी सब्जियां खा रहे हैं, रोटी हम टाइम पे खा रहे हैं, पर नहीं, रोटी का मतलब ये नहीं है कि हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो ही अच्छी है। हरियाणा में तो वैसे भी अभी स्टार्ट हो गई है बाजरा मक्का, ये चीजें स्टार्ट हो गई है, तो आपको मल्टीग्रेन आटे का यूज करना है ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर जाके अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, हमारे फैट ना होने दे।
तो हम जो ज्वार, बाजरा, मक्का, जो ये भी आटे आते हैं, उनको हम मिक्स करके रोटी बना सकते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। फ्रूट में आपको डेली एक या दो एप्पल का जरूर यूज करना चाहिए। जैसे ही आप सुबह उठते हो, पानी आपने पिया, उसके बाद में आपको डेली एक या दो एप्पल जरूर खाने चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि लीवर के लिए तो अच्छे होते हैं, हमारे पूरी हेल्थ के लिए सेब सबसे ज्यादा जबरदस्त काम करता है सुबह का खाया हुआ। ये नहीं है कि आप दोपहर को खा रहे हो, शाम को खा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। दोपहर और शाम को खा रहे हो वो आपकी मर्जी है, पर अगर सुबह सुबह आपने एक या दो सेब, छोटे हैं तो दो ले लीजिए, बड़ा है तो एक ले लीजिए, अगर आपने वो अपने रूटीन खाने में शामिल कर लिया, तो आपके लीवर की प्रॉब्लम तो सोल्व होगी होगी, आपकी पूरी हेल्थ अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि फैटी लीवर सिर्फ लीवर को ही खराब नहीं करता है, उस वजह से हमें कैलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड, थायराइड, बीपी, डायबिटीज, इनकी भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, और सिर्फ फैटी लीवर को ठीक करके। अगर आप इन चीज को फॉलो कर लोगे, जो मैंने चीजें बताई है, तो आपका फैटी लीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी आपकी कंडीशन ग्रेड टू लीवर सिरोसिस तक पहुंच चुकी है और आप दवाइयां लेके भी थक चुके हो, तो आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। मैं गारंटी लेती हूँ 2 से 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपका जो फैटी लीवर है, कम से कम 50% जरूर ठीक करूंगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी वेरी करती है, इसीलिए मैंने 50% बोला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में 2 से 3 मंथ्स में भी ठीक हो जाता है, और कई लोगों को 6 मंथ भी लग जाते हैं, क्योंकि कई लोगों का फैटी लीवर में वेट भी गेन हो जाता है, तो उस वेट को भी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आजकल जो फैटी लीवर है कॉमन हो गया है, सबको प्रॉब्लम हो रखी है, तो वो भी अपने फैटी लीवर को ठीक कर सके, और उन्होंने चेकअप नहीं कराया है तो वो अपना चेकअप भी करवा ले। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए, और फीडबैक जरूर दीजिए।